ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ 4m+3। इसकी लेंथ दी हुई है 4m+3, ठीक है, और उसकी ब्रेथ दी है, ब्रेथ है 3m+1 सेंटीमीटर, और उसका पैरामीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करना है उसका। तो ये हमारा लेंथ है 4m+3 और ये 3m+1 ब्रेथ, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ क्या है 4m+3 प्लस ब्रेथ क्या है 3m+1, और वो कितना दिए है पैरामीटर हमें 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2 इंटू में 4m+3m 7m+3+1 4, ये हो जाएगा 2 से 25, तो ये हो गया 7m+4 = 25। तो 7m कितना आ गया 21, तो m क्या आ गया 3, m की वैल्यू 3 आ गई, तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगी। ठीक है, लेंथ क्या थी l 4m+3, तो q कितनी हो गई 4 × 3+3 मतलब 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ b कितनी थी 3m+1, तो वो हो गई 3 × 3+1, तो वो हो गई 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी आई थी 15 × ब्रेथ है 10, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास इसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट करवा रहा था कि एरिया बताना है उसका रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 4m+3 और ब्रेथ 3m+1 हो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर ये हो।